हम बात कर रहे हैं इनपुट बॉक्स ऑटोमेशन के ऊपर, तो सबसे पहले चीज को जानिए कि जब हम इनपुट बॉक्स का कोड लगाते हैं, तो सामने इनपुट बॉक्स का कोड लगा हुआ है, अगर मैं इनपुट बॉक्स कोड लगाता हूँ, जब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो इसमें मैं नाम डालू या ना डालू, अगर मैंने नाम मान लीजिए डाल दिया, पूजा डाल दिया, तो पी के ऊपर पूजा नाम की वैल्यू को स्टोर कर देता है। अब पी को मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि डिम पी एज ए स्ट्रिंग, ये तो आपको पता ही है, नहीं डिफाइन करने से एम एस जी बॉक्स के अंदर में हम यहाँ पे पी कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नाम डालूंगा, और नाम पूजा या जो भी नाम दिया वो पी पे स्टोर हो जाएगा, फिर जहां नाम की जरूरत है वहां हम यूज कर सकते हैं पूजा। अब यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पे एक दिक्कत और है कि पर्सन जो यूजर होगा वो नाम नहीं भी डाल सकता है, उसने यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी डाल दिया, या फिर नाम नहीं डाला, ब्लैंक ही ओके कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो मैसेज बॉक्स में यहाँ ब्लैंक आ गया, राइट। तो यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ हो रही थी कि जब हम यहाँ मैसेज इसको जो है हम ये करना चाह रहे थे, टेस्ट सीरीज बनाना चाह रहे थे, जो क्वेश्चन नंबर शो हो हमारे पास, जो ऑप्शन शो हो, तो उसमें ए का होना जरूरी है, मतलब इसमें ए बी सी डी चार ही ऑप्शन डालना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या है, कोड जो है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, लूप लगाया, क्योंकि हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो 1 by 1 हमारे 8 क्वेश्चन, सॉरी 1 by 1 8 क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे लूप लगाया। उसके बाद दो वेरिएबल लिया, और अपने जो वैल्यू है, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन जो है, वो हम ए और बी पे स्टोर करा लिया। अब यहां में मैटर आता है कि मुझे क्वेश्चन जो चाहिए वो चाहिए थोड़ा सा इसमें, मतलब कि लाइन में चाहिए, क्योंकि मैं एक साथ अगर लिख दूंगा तो क्या होगा, मैं एक साथ मैसेज बॉक्स में मान लीजिए मैंने रेंज बोल दिया कि रेंज A1 B1 C1 कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि रेंज A1 dot value, अब इसको हमने कॉन्कैटेनेट करके और कर दिया रेंज C1 dot value या C1 dot value, जो भी कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहां पे एक साथ यहां आ रहा है ना। तो मैं चाहता हूं यहां पे A1 नहीं A2 करता हूं, यहां पे A2 तो हमारा क्वेश्चन है, यहां B2 कर देता हूं मैं B2, और ऑप्शन जो हमारे पास है, या फिर जो मैचअप में लिखना चाहता हूं कि प्लीज एंटर बिलो ऑप्शन, यहां पर मैंने लिख दिया प्लीज एंटर ऑप्शन। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, मैसेज यहां क्लोज करता हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि दोनों एक साथ दिखेगा, दिख गया आपको, एक साथ दिख रहा, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन के बाद यहां टूट के नीचे आ जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने इन दोनों के बीच में एक कोड लगाया था वीवी न्यू लाइन, इससे क्या हो गया कि वो टूट के नीचे आ जाएगा, देखिए टूट के नीचे आ गया, तो ये वीवी न्यू लाइन करने का पर्पस यही होता था, यही पे जो कोड हमारा है, हमने इस कोड में सेम चीज करने की कोशिश की है कि हमने यहाँ पे एम नाम का एक वेरिएबल है हमारा जिसपे मैसेज स्टोर हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि क्वेश्चन ए, मतलब कि पहला नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस का, उसके बाद उसके साथ हमने दो लाइन ब्रेक किए और फिर लिख दिया प्लीज एंटर तो बिलो सेक्शन, उसके बाद हमने एक लाइन और ऐड किया और अपने ए लिखने लगा ए डॉट एंड पहला ऑप्शंस। अब दूसरे ऑप्शन के लिए हमने वीवी टैब का इस्तेमाल किया, वीवी टैब इसलिए क्योंकि न्यू लाइन से टूट के नीचे आता है, बट टैब से क्या होगा कि थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा, थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा, इसलिए यहाँ पे वीवी टैब का इस्तेमाल किया गया। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये सारे जो मैटर है अब एक यहां स्टोर हो गया, एम पे स्टोर हो गया, और फिर हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स और एम दे दिया, क्या है हमारा मैसेज का प्रॉम्प्ट जो दिखेगा, और बी हमारा टाइटल हो गया इन द क्वेश्चन नंबर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि जब टाइप हो तो पर्सन ए बी सी डी के अलावा कुछ ना लिखे, यहां एक प्रॉब्लम आ गई।
तो वहां पे हमने ये जो अभी डू वाइल लूप का जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो करना चाहते हैं। मतलब कि मेरा मैसेज बॉक्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई भी अगर यहाँ ओके किया तो इसमें मैटर कुछ ना कुछ डालना ही है, पहले प्रायोरिटी मेरी ए है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला कि डू वाइल पी इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहां पे मैंने कर दिया। अब डू वाइल क्या कर रहा है कि जब तक आप इनपुट बॉक्स में कुछ ना कुछ डालेंगे नहीं तब तक आपको इनपुट बॉक्स पॉपअप होते रहेगा। यहां पे देखिए वाइल में हुआ, यहाँ पे डू अपोजिट कंडीशन होता है, यहाँ पे इक्वल होगा, ये अपोजिट कंडीशन होता है। आ गया। अब मैं इसमें ओके करूं तो आपको बार बार पॉपअप करेगा, जैसे कुछ डाल दूं तो ये हट जाएगा, हट गया तो अपोजिट कंडीशन होता है। तो यहाँ पे है कि अगर ए वाइल क्या करेगा, कब इसको इसकी लूपिंग को मतलब कि बार बार प्रेजेंट करने से रोक रहा है, जब p इक्वल टू ब्लैंक है तब तक रन करना है, p इक्वल टू ब्लैंक नहीं होगा तो लूप को रोक देना है। ध्यान रखिए अपोजिट कंडीशन होता है यहाँ पे, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा था एक दो बार, समझे। तो यहाँ पे जब तक नहीं डालें, तो पहला मैटर समझ में आ गया कि भाई हम इनपुट बॉक्स को बार बार अपनी कंडीशन को पूरा ना होने तक उसको बार बार हम एपियर कैसे करें, मतलब कि जब तक करेक्ट वैल्यू नहीं होगा तब तक प्रोसीजर को आगे बढ़ना ही नहीं है। इसके लिए हमने डू वाइल लूप का यूज किया, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास कई सारे कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया और हमने बोला कि अगर के ए है या बी है या सी है या डी है, इन चारों में से कोई एक है तो P के ऊपर ट्रू स्टोर हो जाओ, अदरवाइज फॉल्स स्टोर हो जाओ। तो A हमने बताया था कि A अपोजिट होता है, तो जो नहीं करना है उसी को यहां देना है कंडीशन। हमने बोला कि डू वाइल P इक्वल टू फॉल्स, अगर P फॉल्स है, P अगर फॉल्स है तो इनपुट बॉक्स को अपियर करो, फिर कंडीशन डाले गए वैल्यू के ऊपर कंडीशन चेक करो, फिर चेक करो क्या p इक्वल टू ट्रू हुआ, अगर p इक्वल टू ट्रू हुआ देन लूप से बाहर करो। ये चीजें मैंने यहां पे इसलिए लगाई है। अब बीच में प्रॉब्लम आया कि एक बार चलने के बाद नहीं चलता था क्योंकि p के ऊपर ट्रू असाइन हो चुका है यहां पे, तो जब तक यहां p को फॉल्स नहीं मिलेगा तब तक वो इनपुट बॉक्स को अपीयर ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहां पे p इक्वल टू फॉल्स कर दिया। मतलब कि जो इफ कंडीशन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था उसको मैंने यहां चेंज कर दिया ताकि डू लूप फिर से लूपिंग की फैसिलिटी को कंटिन्यू करे, जो वैल्यू आ जाए तो हमने यहां पे k पे कर दिया। ओके, अब इसमें अब आपको रिजल्ट भी शो करना है कि रिजल्ट आ जाए, तो इसके आंसर्स जो है आप यहां पे दे दीजिए कि भाई इसका आंसर है डी, इसका आंसर है हमारा मान लीजिए बी, इसका सी, मैं ऐसे दे रहा हूं, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, ए बी सी, ठीक है। और उसके हाँ सॉरी उसके बाद यहां जो है चेक काम लगा देते हैं, चेक, और इन दोनों को हम इक्वल टू कर देते हैं। ओके, अभी कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो हमें यहां मैसेज लूप के बाद मैसेज देना है, मैं एक और वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करता हूं काउंट के लिए, डिम सी सेविंग लोकेशंस है, और यहां हम सी के ऊपर काउंट इफ का फॉर्मूला अपनाते हैं, हालांकि तरीके बहुत है, फिलहाल मैं काउंट इफ ले रहा हूं कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, क्योंकि एक्सेल का फॉर्मूला है इसलिए मुझे वर्कशीट फंक्शन चलना पड़ेगा, काउंट इफ, और इसमें हमने दे दिया रेंज
कौन सा रेंज है, आई आई, अब मैं इन्वर्टर घुमाने देता हूं आई से आई, और हमारा ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है ट्रू, ट्रू को मुझे यहां इन्वर्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहां कंडीशन देना है मैसेज एमएसजी बॉक्स प्योर आंसर सी ऑफ पे सी ऑफ सी को ये करना है ना हमें बाहर करना है एन परसेंट सी ऑफ यहाँ पे वापस एन परसेंट ऑफ टेन ये नहीं एट है ना एट। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हमने ए लिख दिया, हमने बी लिखा, हमने सी लिखा, डी लिखा, फिर यहां पे बी लिखा, ए लिखा, सी लिखा, ए लिख दिया। अगेन योर आंसर थ्री ऑफ एट, पर तीन सही है आठ में से। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट इसमें? अतीश पांडे जी कोई डाउट इसमें? इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को भी बनाना था बट आप लोगों ने नहीं बनाया, सिर्फ जितेंद्र जी ने बनाया, बट आप लोगों को भी ये करना चाहिए था प्लीज, तो आप लोग भी अपने एंड पे कीजिए प्लीज। फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे मैसेज बॉक्स ऑटोमेशन के ऊपर, कोई डाउट या क्वेश्चन किसी तरह का होगा तो मुझे कॉल कर लीजिए। ओके okay.